हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हम किस तरीके से जल्द अपनी किचन कंपोस्ट बना सकते हैं। विंटर सीजन में बहुत ज़्यादा हमारे किचन से वेस्ट निकलता है, जिसमें मटर के छिलके, सब्जियों के छिलके, फ्रूट्स के छिलके काफ़ी ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं। उससे हम बहुत ही अच्छी किचन कंपोस्ट बना सकते हैं। अगर हम अपनी मिट्टी में किचन कंपोस्ट का यूज करते हैं तो हमारे जो प्लांट्स की ग्रोथ है बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है। विंटर सीजन में बहुत ही ज़्यादा किचन से वेस्ट निकलता है, उससे हम बहुत ही अच्छी और जल्दी कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। किचन कंपोस्ट को हम प्लास्टिक के डब्बे, मटके और पन्नियों किसी में भी बना सकते हैं। ये हर किसी में बहुत ही आसानी से तैयार हो जाती है। ये देखिए, ये मेरी 1 महीने पुरानी किचन कंपोस्ट है जो अभी हाफ बन के तैयार हो चुकी है। और जो ये वाली कंपोस्ट है ये पूरी 1.5 महीने पुरानी है और ये लगभग 80% तक बन चुकी है। जब जो हमारी किचन कंपोस्ट होती है वो 60% तक बन जाती है तो हम उसको यूज कर सकते हैं। और ये मेरी अब मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज कर ली है और बस ये थोड़ी सी ही अब बची हुई है। अगर आप इस तरीके के प्लास्टिक के डब्बों में अपनी किचन कंपोस्ट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले जो आपके ये प्लास्टिक के डब्बे हैं उनमें होल कर दें। होल करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप होल नहीं करते हैं तो जो हमारे पॉट होते हैं इस प्लास्टिक के, इसमें एरेशन नहीं होता है तो जो हमारी कंपोस्ट है वो बन नहीं पाती। तो सबसे पहले हम किचन कंपोस्ट बनाने के लिए क्या यूज करेंगे, तो जो अंडे की कैरेट आती है इनको मैंने बारीक से कट कर लिया है। इसकी जगह पे आप न्यूज़पेपर ले सकते हैं या फिर आपके वहाँ पे सूखे पत्ते हों तो। मेरे पास सूखे पत्ते नहीं हैं तो मैं अभी इनका यूज कर रही हूँ। इसकी जगह पे आप न्यूज़पेपर डाल सकते हैं और या फिर सूखी पत्तियाँ, सूखी पत्तियाँ हैं तो आप सबसे पहले वही डालें। रखा है मैंने 1 हफ्ते का पूरा किचन वेस्ट, इसमें पत्तियाँ भी हैं गोभी की और मैंने ये थैलियों में रखा है पूरा का पूरा जो किचन से वेस्ट निकलता है डेली। आप डेली भी किचन वेस्ट बना सकते हैं या फिर 1 हफ्ते तक इस तरीके से पैकेट्स में रख के उसे एक साथ भी बना सकते हैं। जब भी आप इस तरीके से हफ्ते 10 दिन के लिए पैकेट में सब्जियां या वेस्ट जो भी किचन वेस्ट रखते हैं तो उस थैली में गांठ ना लगाएं। अगर आप गांठ लगा के बंद कर देते हैं थैलियों को तो जो ये हमारी सब्जियां होती हैं ये सड़ने लगती है और इसमें बहुत ही गंदी सी स्मेल आ जाती है। तो आप छत पे या कहीं पे भी कोने पे सब्जियों का वेस्ट रखे हैं तो उससे इस तरीके से पॉलीथीन को खुला छोड़ दें, जिससे जो हमारी सब्जियां हैं वो उसमें से गंदी स्मेल नहीं आती है। सबसे नीचे मैंने इसमें अंडे की जो ट्रे होती है ये डाल दी है। अब मैं इसमें थोड़ा सा मिट्टी डाल दूंगी। मिट्टी हमें यहाँ पर ज़्यादा यूज़ नहीं करनी है, बस थोड़ी सी मिट्टी। और मिट्टी डालने के बाद मेरे पास गोभी के पत्ते हैं, ये गोभी के पत्ते मैं डाल रही हूँ। आपके पास जो भी आपके वो आप इस हरे पत्ते या सूखे पत्ते कोई भी हैं वो डाल दें। और अब हम इसमें सबसे पहले डालेंगे जो हमारी किचन वेस्ट है पुरानी बची हुई वो। अगर आपके पास किचन वेस्ट है तो अगर आपके पास पहले से बनी किचन वेस्ट है, चाहे वो हाफ डिकम्पोस्ट है चाहे वो 15 दिन की है 20 दिन की है, आप उसे डाल दें। क्योंकि इस किचन वेस्ट में काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं जिससे हमारा जो कंपोस्टिंग है वो बहुत ही जल्दी होने लगती है। और अगर आप फर्स्ट बार किचन कंपोस्ट बना रहे हैं, आपके पास कोई किचन कंपोस्ट नहीं है तो आप कुछ भी ना डालें। तो हमने किचन कंपोस्ट डाल दी, उसके बाद जो हमने थैलियों में सब्जियाँ डाली थी हम उसे डाल रहे हैं। अब सब्जियाँ, एक लेयर मैंने सब्जी की डाल दी है। अब सब्जी के ऊपर मैं थोड़ी सी मिट्टी डालूंगी, मिट्टी ज़्यादा नहीं लेनी है, बस इतनी ही डालनी है जो हमारी सब्जियों के छिलके हैं वो छिप जाएं। अब इसके बाद हमने सबसे ज़रूरी चीज़ डालनी है, ये है गुड़ का पानी। जो गुड़ हम सर्दियों में यूज करते हैं जिसे हम जैगरी भी बोलते हैं, ये वो है। जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जो किचन कंपोस्ट को फास्ट बनाता है ये वो है गुड़ का पानी। गुड़ के पानी से जो किचन कंपोस्ट है बहुत ही जल्दी बन जाती है। गुड़ का पानी डालने के हमने गुड़ का पानी डालने के बाद फिर से हम दूसरी थैली को डालेंगे किचन वेस्ट की और उसके ऊपर फिर से मिट्टी की लेयर डाल देंगे। मिट्टी की लेयर डालने के बाद हम फिर से थोड़ा सा गुड़ का पानी इसमें और डालेंगे। और फिर जो हमारे पास और जो मेरे पास फिर से लास्ट थैली बची है किचन वेस्ट की, मैं फिर से उसे डालूंगी। इस तरीके से हमें लेयर पे लेयर बनानी है। और किचन वेस्ट के ऊपर मिट्टी और मिट्टी के ऊपर थोड़ा सा गुड़।
अगर आपके किचन वेस्ट में इस तरीके की कोई पन्नी वन्नी आ जाती है तो उसे उठा के फेंक दें। ये देखिए, अगर आप इस तरीके से लेयर पे लेयर बनाते हैं तो किचन कंपोस्ट बहुत ही जल्दी बनती है। ये देखिए, ये लास्ट वाली मैंने थैली भी इसमें डाल दी है, इसके ऊपर भी मैं मिट्टी डाल के फिर से मैं थोड़ा सा जो गुड़ का पानी बचा है वो डाल दूँगी। गुड़ का पानी हमें हमेशा, ज़्यादातर लोग सबसे ऊपर गुड़ का पानी डाल देते हैं और नीचे नहीं डालते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए। गुड़ का पानी आपको लेयर पे लेयर, जितनी भी आप लेयर डालते हैं हर लेयर पे गुड़ का पानी डालना चाहिए। इससे जो किचन कंपोस्ट है बहुत ही जल्दी बनती है, क्योंकि गुड़ के पानी में काफ़ी ज़्यादा माइक्रोब्स होते हैं जो हमारे किचन कंपोस्ट की जो प्रोसेस होता है उसे बहुत ही ज़्यादा फास्ट कर देते हैं। और गुड़ का पानी आपको, गुड़ आपको लेना कितना है, गुड़ आप अपने जो पॉट का साइज है उसके हिसाब से लें, पॉट के हिसाब से लें। मेरा ये पॉट 15 लीटर का होगा और मैं इसमें ले रही हूँ बस इतना सा गुड़। गुड़ के ज़्यादा या कम होने से कोई भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इतने से गुड़ में पानी मिला के इसमें डाल देंगे तो ये बस हो जाएगा। और हर 15 दिन में हमें थोड़ा सा गुड़ लेके उसे पानी में भिगा के अपने किचन कंपोस्ट पर डालना है और किचन कंपोस्ट को हिलाना है। ऐसा करने से हमारी किचन कंपोस्ट बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाएगी। आप इसी तरीके से किचन कंपोस्ट बनाते हैं तो आप देखेंगे कि 2 महीने में आपकी किचन कंपोस्ट बिल्कुल बनके तैयार हो जाती है। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि हर 10 दिन में आप एक बार गुड़ का पानी इस पर डाल दें। गुड़ का पानी के जगह पर आप दही का पानी बना के भी उसमें डाल सकते हैं, या फिर दोनों चीज़ें भी मिक्स करके डाल सकते हैं। और इस तरीके से लास्ट में आप अपने जो पॉट है उसको किसी ढक्कन से ढक दें। ढक्कन कभी भी आप उसमें टाइट ना लगाएं, अगर आप टाइट ढक्कन लगाते हैं तो उसमें एरेशन नहीं हो पाता है। अगर आपके पॉट पर ढक्कन नहीं है तो आप किसी कॉटन के कपड़े से उसे ढक दें और किनारे से धागे से बांध दें। किचन कंपोस्ट बहुत ही अच्छी रहती है हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। आप अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।